सुशील कुमार भारत के उन रेसलर्स में से एक हैं जिन्होंने रेसलिंग को भारत में सही मायने में पहचान दिलाई है और एक पूरी नई जनरेशन को इस खेल की ओर आकर्षित किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के लिए कई मेडल्स भी जीते हैं और देश का नाम दुनिया भर में खूब रोशन करा है। पर वो कहते हैं ना कि हर किसी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और ठीक ऐसा ही कुछ सुशील कुमार के साथ भी हुआ। सुशील कुमार ने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी मेहनत के दम पर तय करा और अब वो अर्श से वापस फर्श की ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल लाखों युवाओं के आइडल सुशील कुमार हाल ही के कुछ दिनों में काफी विवादों में रहे हैं। इनके ऊपर हत्या का संगीन आरोप है और इसी वजह से आप में से कई लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि हम सुशील कुमार के इस कॉन्ट्रोवर्सी के पहले के जीवन के बारे में चर्चा करें, और इसी कारण आज हम बात करने वाले हैं द राइज एंड फॉल ऑफ सुशील कुमार के बारे में। सुशील कुमार का जन्म 26 मई 1983 को बपरौला नजफगढ़ दिल्ली में हुआ था और वो MTNL दिल्ली में ड्राइवर का काम किया करते थे, जबकि इनकी माँ का नाम कमला देवी है। सुशील बचपन से ही पहलवानों के बीच बड़े हुए थे। जिस गाँव में वो रहते थे वहाँ भी मिट्टी में कुश्ती की जाती थी और इसी वजह से जिस कल्चर में वो बड़े हुए थे उस कल्चर में रेसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से घुली हुई थी। सुशील के पिता भी एक पहलवान थे तो वहां से भी सुशील पर काफी प्रभाव पड़ा, और फिर अपने कजन संदीप को रेसलिंग में आगे बढ़ते देख सुशील कुमार ने भी रेसलिंग और पहलवानी करनी शुरू कर दी। अपने गाँव में कुश्ती शुरू करने के कुछ ही समय के अंदर आसपास के लोगों को एहसास होने लग गया था कि सुशील स्पोर्ट में बहुत अच्छे हैं, और उनके टैलेंट को देखते हुए ही उनको कॉम्पिटिशन्स लड़वाने भी शुरू कर दिए। फिर जब सुशील 14 वर्ष के हुए तो उन्होंने रेसलिंग के लिए छत्रशाल स्टेडियम में रेसलिंग सीखनी शुरू कर दी, और इस समय के बाद से लगभग अपना आगे का पूरा जीवन सुशील इसी स्टेडियम में बिताने वाले थे। उनको शुरू में यशपाल और रामपाल के द्वारा कुश्ती के दांव पेच सिखाए गए, जिसमें वो बहुत कम समय में ही काफ़ी अच्छे भी हो गए थे। वो अपनी कुश्ती को लेकर काफ़ी सीरियस थे और इसलिए प्रैक्टिस में भी खूब पसीना बहाते थे। यहाँ पर सुशील की ट्रेनिंग काफ़ी हेक्टिक और डिसिप्लिन तरीके से होती थी। सुशील ने अपने पूरे जीवन एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करी है, और अगर मैं आपको इनकी डाइट से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो जब से सुशील छत्रसाल स्टेडियम में आए थे तब से ही लगभग हर रोज उनके पिता अपने घर से सुशील के लिए कई लीटर दूध ले जाया करते थे। सुशील के पिता ड्राइवर थे तो अपनी जॉब पर जाने से पहले हर रोज वो सुशील के लिए खाना और दूध लाते थे, और इसी वजह से सुशील अपने करियर में अपने पिता का भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन समझते हैं। इसी स्टेडियम में सुशील कुमार की अपने कोच सतपाल सिंह से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने सुशील के टैलेंट को पहचाना और उन्हें कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार करना शुरू करा। फ्री स्टाइल रेसलिंग में आने के बाद सुशील के हिस्से में पहली कामयाबी 1998 में आई, जब उन्होंने वर्ल्ड कैडेट गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। ये उनकी पहली कामयाबी थी। इसके बाद तो वो आगे बढ़ते ही गए और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वर्ष 2000 में उन्होंने एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया और सभी लोगों को दिखा दिया कि वो कितने अच्छे लेवल के रेसलर हैं। जूनियर लेवल पर अच्छा करने के बाद वो बड़े लेवल पर लोगों की नज़रों में पहली बार 2003 में आए, जब उन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उन ऊंचाइयों की ओर अग्रसर थे जहां अब तक कोई भी इंडियन रेसलर नहीं पहुंच पाया था। लोगों को 2004 के ओलंपिक गेम्स में सुशील कुमार से काफ़ी उम्मीदें थी, पर 2004 के ओलंपिक गेम्स में वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सके और इसी वजह से 14वें स्थान पर रहे। ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका था खुद को साबित करने का, पर वो यहाँ विफल हो गए। पर इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे। इसके बाद वो वापस छत्रशाल स्टेडियम लौटे और अपने कोच सतपाल सिंह के साथ और भी हेक्टिक ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। 2005 और 2007 के कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने एक बार फिर से अपने टैलेंट के अनुसार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीते। उनके लगातार अच्छे खेल के चलते 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में भी सभी रेसलिंग के फैंस को उनसे काफ़ी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें थी, और इस बार पिछली बार की तरह उनके फैंस निराश नहीं हुए, क्योंकि 2008 में सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करा और दिखा दिया कि वो कितने कमाल के रेसलर हैं। यहाँ से वो हर किसी के लिए प्रेरणा बनते चले गए। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार भारत का झंडा लेकर फ्लैग बेयरर बने। इस ओलंपिक गेम्स में उन्होंने अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर किया और फाइनल तक गए। इस बार वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे, और ऐसा करके सुशील कुमार ऐसे लौते इंडियन बने जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल जीते हों। इसके बाद वो 2014 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इससे उनकी लोकप्रियता नए शिखर पर पहुंच चुकी है, और अगर सचिन क्रिकेट के लिए भारत में पोस्टर बॉय थे
तो सुशील कुमार रेसलिंग के पोस्टर बॉय बने। सुशील कुमार ने वाकई में लाखों लोगों को इस खेल के प्रति आकर्षित करा है। 2021 में उनकी सालों की मेहनत, सालों का बनाया हुआ नाम सब एक झटके में खतरे में आ गया जब उन पर हत्या का आरोप लगा। अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अभी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, पर देखा जाए तो ये हर खेल प्रेमी के लिए बड़ी ही दुख की बात है कि एक समय पर उनके आइडल रह चुके आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये सुशील कुमार की जिंदगी की पहली कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है। इसके अलावा भी वो कई कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके हैं। 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में रेसलर नरसिंह यादव को इंडिया की तरफ से लड़ने के लिए चुना गया था, पर सुशील कुमार चाहते थे कि अपने पिछले रिकॉर्ड्स के चलते उन्हें इन ओलंपिक गेम्स के लिए सेलेक्ट करा जाए, और इसलिए सुशील कुमार के कुछ एलिजेड दोस्तों ने नरसिंह यादव के खाने में कुछ मिला दिया, जिस वजह से नरसिंह यादव अपने डोप टेस्ट में फेल हो गए, और इसके बाद नरसिंह यादव ने सुशील कुमार पर यह आरोप लगाया। यह हादसा इंडियन स्पोर्ट्स की फेडरेशन के लिए वाकई में काफी शर्मनाक साबित हुआ। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के सिलेक्शन के समय सुशील और सुशील के दोस्तों ने मिलकर उनके कॉम्पिटिटर राणा के साथ हाथापाई करी, जिसके लिए भी सुशील के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर सुशील कुमार के कई गैंगस्टर्स के साथ फोटोज भी शेयर किए जा चुकी हैं, जो इनको कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स से लिंक करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। इसके अलावा सुशील कुमार की कहानी पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सुशील कुमार की जिंदगी पर बनी हुई इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।